देखिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन के अंदर। उस सेशन के अंदर हम लोग अपने कस्टम फॉर्मेटिंग में आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने अपने कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर प्लेस होल्डर को जाना था, जो कई तरह के होते हैं। पहला नंबर था, दूसरा टैक्स था, तीसरा आपका डेट। हमने डेट है, टाइम है, कंडीशन है और कलर है। फिलहाल हमने दो ही चीज़ों को डिस्कस कर पाए थे और हमारा टाइम हो गया था पूरा। आज हम लोग डेट एंड टाइम को सीखेंगे और उसके बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे। डेट के लिए मैं यहाँ पर डेट पर आया और मुझे यहाँ पर डेट में रखना है। याद रखना, अगर एक डी है तो जो भी आपका डे होगा वो खाली सिंगल दिखेगा ऐसे। अगर दो डी होंगे तो 01 के साथ दिखेगा। जैसे आपका 9 है तो 09, 8 है तो 08, 05, 04, 03, 02, 11 तो 0 नहीं आएगा। उस केस के लिए आपको कहाँ जाना है? यहाँ आना है। मैं आपके सामने एक डेट लिख रहा हूँ और ये शायद आप सभी को पता है कि डेट क्या है। आज की डेट है जिसे हम करंट डेट बोलते हैं। मैं यहाँ गया और कस्टम फॉर्मेटिंग में जाकर मैंने पहले डी टाइप करा। जैसी एक डी टाइप करा तो मुझे 18 मिल गया। क्लियर? मैं दो डी टाइप करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा? 18 ही मिलेगा, कोई अंतर नहीं। लेकिन मैं 011 लिखता तो मुझे क्या मिलता? 01 मिलता। क्लियर है? अगर मैं तीन बार डी लिख दूं तो शॉर्ट फॉर्म में डी आ जाएगा, जो भी था। अगर मैं चार बार डी लिखूं तो पूरा, हाँ संडे, आज संडे ही तो है, तारीख देखो क्या है। क्लियर है? संडे आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक बार एम लिखूँ तो क्या आएगा? अगर मैं दो बार एम लिखूँ तो भी 11। अगर मैं तीन बार एम लिखूँ तो उसका शॉर्ट नेम। अगर मैं चार बार एम लिखूं और अगर पांच बार लिखूं तो उस मंथ का पहला लेटर आ जाएगा। क्लियर है? ईयर पर जाऊं और ईयर लिखूं दो एक बार तो 18 आ जाएगा। कहां पर? ठीक है, एक और डी कर दो, चार हो जाएंगे, चार कर तो ऐसे आएगा। क्लियर है? जैसी फॉर्मेटिंग चाहिए हो। आगे टाइम चाहिए तो क्या लगा दो? एच एच एम एम, चलो टाइम सीखेंगे अभी। क्लियर है? तो हम जैसी मर्जी फॉर्मेटिंग रख सकते हैं डेट की, किसी को बड़ा किसी को छोटा, जैसे मर्जी। कोई किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। डी, एक डी, दो डी, तीन डी, चार डी, ठीक है, एक एम, दो एम, तीन एम, दो वाई, जैसे मर्जी डेट रखनी है उस फॉर्मेट में रख सकते हैं। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आल्स का। तो समझ गए, सिंगल डी में, डबल डी में, ट्रिपल डी में, फोर टाइम डी में, एम एम में, एम एम, एम एम, एम एम, एम एम, टू टाइम वाई में 16, फोर टाइम में पूरा कंप्लीट 2016। आवर्स के लिए क्या होता है? एच आवर्स के लिए होता है, एम मंथ के लिए होता है और एस आपका सेकंड के लिए होता है। क्लियर है? मैं यहाँ कोई टाइम लिख रहा हूँ, मुझे आप लोग टाइम बताना। टाइम हो रहा है 21:12। इस टाइम को मुझे अगर और भी इम्प्रूव करना है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। सेकेंड भी चाहिए तो मैं सेकेंड भी ला सकता हूँ। और साथ में क्या चाहिए मुझे? पीएम और एएम चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसे लिखना पड़ता है, एएम स्लैश पीएम। ठीक है, तो हमारे पास वो आ जाएगी।
क्लियर है सर? हैं हाँ, इतना हो रहा है ठीक है। देखो आप इंटर मारते जाओ, टाइम सेकंड चेंज होता जाएगा उसका, क्लियर है? ये नाउ का फार्मूला बाद में, इसमें डेट भी चाहिए तो आगे क्या लगा दो, टू टाइम डी डी एम एम और वाई वाई। थ्री वाई में क्या करेगा, फोर वाई करेगा ना, वही फोर ही शो करेगा, टू में दो और फोर में फोर, थ्री में और फोर में फोर, क्लियर है? समझ आ गया? चलें आगे। अब हमें सीखनी है कंडीशन, क्या सीखनी है, कंडीशन लगा। रवि हाँ, मैंने एक फार्मूला लगाया रैंड बिटवीन का, जो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। क्या करता है? एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। मैंने बोला अगर जो वैल्यू 50 से बड़ी है वो तो ब्लू कलर में शो, और जो वैल्यू 50 से बड़ी है वो वैल्यू ब्लू में, और जो 50 से नीचे वो रेड कलर में शो हो। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक अप्लाई करनी है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और यहाँ कंडीशन लिखेंगे। बड़ा ब्रैकेट से कंडीशन अप्लाई होती है। मैंने बोला अगर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 50 देन शो मुझे ब्लू। ऐसा ना हो, अगर वैल्यू क्या हो जाए लेस देन 50 देन शो मी रेड। क्लियर? लेकिन सर जो एग्जैक्ट 50 होगी वो आपको हैश हैश में ही दिखेगी, क्योंकि हमने 50 से बड़ी 50 से नीचे, तो हमने 50 को इग्नोर कर दिया, तो हमें यह क्या लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। वैल्यू अगर 50 से बड़ी है ठीक है, ठीक है आ जाइए। मैंने बोला अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 50 है तो मुझे ब्लू, कौन सा, येलो कलर। अगर वैल्यू लेस देन इक्वल टू नहीं और रेड कलर, ठीक है येलो आ गई, और फॉर्मेटिंग लेके नीचे ट्रैक कर दो, क्लियर? इसका एक और एडवांटेज है कि आप इन कलरों को यहाँ से कभी नहीं चेंज कर सकते, क्यों, यही रीजन है, यहाँ कुछ भी कर लो कैसा भी कर लो कि अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करेंगे, क्लियर है? ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एग्जाम्पल था, ठीक है? आज हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में तीन चीज़ें डिस्कस करी हैं, डेट आस और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है? ये हमारी पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो जाती है। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन वन, पहली, मुझे डेट के फॉर्मेट में पहले, मतलब ये डेट है, आज की डेट ही है, मुझे आप डेट को इस फॉर्मेट में शो करेंगे, पहले मंथ वो भी शॉर्ट फॉर्म, फिर डे, फिर डे भी शॉर्ट में और ईयर भी शॉर्ट में, ईयर भी शॉर्ट में। आज जब आप टाइम मुझे शो करेंगे, कोई भी टाइम मुझे नहीं मतलब, उसमें डेट विद टाइम शो होना चाहिए, और टाइम का जो फॉर्मेट होगा उसमें पहले मिनट आना चाहिए, फिर सेकंड आवर्स आने चाहिए और फिर सेकंड आना चाहिए। हैं? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन थर्ड,
क्वेश्चन थर्ड, वैल्यूज गिवन है 100 तक, अगर वैल्यू लेस देन 40 है तो मुझे ब्लू कलर शो करना, और 40 से ज़्यादा है तो रेड कलर शो करना। क्लियर है? उसके बाद नेम के बाद मुझे जितना भी कॉलम बड़ा करूं वो सभी हैश में शो करें, जितना भी कॉलम बड़ा करूं वो हमेशा एस में शो करें। आपको याद होगा पीछे मैंने एक चीज आपको सिखाई थी नेम वाली, आपको याद है, पासवर्ड वाली। वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ, आपका क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करना। नेम के साथ साथ एक चीज और मुझे शो करनी है, एट द रेट। जितना बड़ा कॉलम को करूं वो उतना बड़ा हो जाए ऑटोमेटिक, एंड एंड। अब तो क्वेश्चन दे रहा हूं, अब तो स्टार का यूज बाद में बता पाऊंगा। क्वेश्चन सेवन, कि मैं किसी भी कॉलम में कितने भी नंबर टाइप करूं वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि जितने नंबर भी मैं टाइप करूं वो सभी नंबर क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ठीक है? मतलब यह है कि मैं यहां पर कितने भी नंबर टाइप करूं, काउंटिंग 1 से लेके 10,000 तक, वो सभी एक्सेप्ट हो। वो कैसे एक्सेप्ट हो वो मुझे आपको लिख के एक क्वेश्चन के जरिए समझाना है। ये बस 7 क्वेश्चन आज मेरी तरफ से, आपकी कस्टम फॉर्मेटिंग फिनिश हो गई है।